नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। आपने बागवान मूवी जरूर देखी होगी। वैसे तो ये पूरी फिल्म 3 घंटे 3 मिनट की। अगर आपने ये मूवी देखी है तो फिर ये भी जरूर देखा होगा कि किस तरह से अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी से एक कार शोरूम का कर्मचारी कार चलाने की जिद करता। अमिताभ बच्चन मना करते रहते हैं लेकिन कर्मचारी अपनी ही जिद पर टिका रहता। खैर, अमिताभ तैयार हो जाते हैं और कार को कुछ दूर तक चलाने के बाद धन्यवाद करते हुए कर्मचारी को कार की चाबी सौंपने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरी औकात नहीं है इतनी महंगी गाड़ी लेने की। उसके बाद आगे क्या कुछ होता है शायद ये हमें बताने की जरूरत नहीं। खैर, यहाँ बागवान मूवी और मूवी के इस चंद हिस्से को शब्दों में समझाने के पीछे का मकसद रियल लाइफ से जुड़ा हुआ। आज हम आपको एक ऐसी खबर से वाकिफ कराएंगे जिसका संबंध रियल लाइफ से नहीं बल्कि रियल लाइफ से होगी। कहते हैं कि किसी इंसान को उसके कपड़ों से नहीं आंकना चाहिए। ऐसी ही भूल महिंद्रा के एक कार शोरूम के सेल्समैन से हुई और ये पूरा मामला कर्नाटक के तुमकुर का है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक किसान अपने दोस्तों के साथ महिंद्रा कार के शोरूम पहुंचा। वो अपनी ड्रीम कार खरीदने गया था लेकिन उसके कपड़े देखकर सेल्समैन ने उसे भगा दिया। उसके बाद अपमानित किसान मात्र 30 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए कैश लेकर अपनी ड्रीम कार खरीदने उसी शोरूम पर पहुंचा। बता दें कि किसान सुपारी की खेती करता है। जब वो शोरूम में अपनी ड्रीम कार यानी SUV खरीदने पहुंचा तो सेल्समैन ने उनकी वेशभूषा को देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया लेकिन इन सभी बातों का किसान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सेल्समैन की बात को नजरअंदाज करते हुए किसान महिंद्रा बोलेरो के बारे में पूछताछ करने लगता। शुरू में उसने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने और उसी दिन डिलीवरी लेने की पेशकश की लेकिन सेल्स टीम ने मना कर दिया। इससे किसान को काफी अपमानित महसूस हुआ। उसके बाद पूरे 10 लाख भुगतान की बात कही और उसी दिन डिलीवरी की बात कही। इस पर सेल्समैन ने हामी भर दी लेकिन किसान का आरोप है कि 10 लाख लेने के बावजूद सेल्स टीम जानबूझकर मजाक उड़ाती रही और लगातार कमेंट करती रही। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि सेल्समैन ने किसान से ये भी कहा था कि 10 लाख रुपए तो दूर, तुम्हारी जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। उसे लगा कि किसान बेकार में उसका समय बर्बाद करने आया। हालांकि एहसास होने पर उन्होंने किसान से कहा कि अगर वो 25 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए कैश ले आते हैं तो उसे आज ही गाड़ी की डिलीवरी दे देंगे। लेकिन किसान ने 10 लाख रुपए तो दे दी, सेल्समैन अपनी बात से मुकर गया। वहीं सागर राजपी नाम के एक पत्रकार ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए लिखा, महिंद्रा कार शोरूम सेल्समैन ने बोलेरो पिकअप खरीदने के लिए शोरूम गए किसान की पोशाक को देखकर ताना मारा। किसान ने आरोप लगाया कि शोरूम के फील्ड ऑफिसर ने उसकी पोशाक का मजाक उड़ाया। उसे कहा कि कार खरीदने के लिए उसके पास 10 रुपए की औकात नहीं। बहरहाल जिस तरह से आनंद महिंद्रा अपनी जिंदा दिली और लोगों की मदद के लिए आए दिन खबरों की सुर्खियों में बने रहते हैं, वहीं एक किसान से महिंद्रा के सेल्समैन का इस तरह का बर्ताव कितना गलत है, इस पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।